दो दिन पहले जामताड़ा जिला करमाटांड थाना सिकर पोस्नी गांव में पुलिस बल पर हमला किया गया। पुलिस को मारा, पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पुलिस को मारा गया। मैं जामताड़ा जिला के एसपी से मैं कहना चाहता हूँ, कम से कम इसको देखिए आप, चुप मत रहिए एसपी साहब। अगर यही घटना कल मान लीजिए अल्पसंख्यक भाई हमारा करता, या आदिवासी भाई हमारा करता, या दलित भाई हमारा करता, पुलिस पे यदि वो लोग हमला करता तो पुलिस वाला छोड़ता नहीं, घर में घुस घुस कर मारता, पकड़ लाता। आज कहाँ चली गई पुलिस की हैंकड़ी? पुलिस को मार रहा है कौन? मार रहा है पुलिस को? किसने पुलिस प्रणाली पर हमला किया है? मैं जामताड़ा के एसपी को कहना चाहता हूँ, कम से कम नैतिकता अगर बची है तो अरेस्टिंग करवाइए लोगों को। कौन मारा हमारे पुलिस को? क्यों मारेगा हमारे पुलिस को? हमारे सिपाहियों को मारेगा और पुलिस मौन रहेगी? ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो भी मारा है पुलिस को, उसकी जांच होकर उस पर सख्त कार्रवाई करें, मैं ये मांग एसपी जामताड़ा से करता हूं। और मैं एसपी जामताड़ा को कहना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन को ठीक कीजिए, लचर हो रहा है मेरा पुलिस विभाग, इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। पिछले कल शाम को जो इरफान अंसारी के माध्यम से यह वीडियो जारी हुआ है, इससे और स्पष्ट हो गया कि इनके सह और संरक्षण से ही पूरी घटना हुई है। इरफान अंसारी कहते हैं कि सिकर पोसरी में जो है कुछ लोगों के माध्यम से पुलिस को जो है रगेदा गया है। ऐसी कोई घटना नहीं हुई है सिकर पोसरी में, कोई ऐसा घटना नहीं है पुलिस के साथ जो इस प्रकार का वारदात हुई है। यह सिर्फ जो कल की घटना है, उस घटना में जो प्रशासन का और आम लोगों का ध्यान नहीं जाए, इसको दिग्भ्रमित करने के लिए ऐसे ये बयान दे रहे हैं। और यह जो है पूरी संरक्षण देकर के जो इस प्रकार के अभी पूरे इस क्षेत्र में इस प्रकार से लोगों के जो है जमीन को हड़पवाने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों ठीक इसी प्रकार से इन्होंने चिरूडी में एक महादलित परिवार के जमीन को संरक्षण दे के हड़पवाने का उथक प्रयास किया, महादलित परिवार को विस्थापित करने का पुरजोर प्रयास किया इन्होंने। इनके वह कारनामे भी सफल नहीं हो पाए। और मैं डॉक्टर इरफान अंसारी जी को बताना चाहता हूं, आप इस हरकत से बाज आ जाइए। आप जो सोच रहे हैं कि आप सत्ता में हैं और सत्ता का दुरुपयोग करके हिंदू समाज के जमीन को आप हड़पवाने का काम करेंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसा नहीं होगा। आपके मनसूबे को कामयाब नहीं होने देगी भारतीय जनता पार्टी। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।